डियर पेरेंट्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, अच्छी एजुकेशन वो ले और ऐसी एजुकेशन ले जो फ्यूचर में उसको हेल्प करे, इसकी हम कामना करते हैं। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चे को एक ऐसी एजुकेशन दें जो उसको आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल में भी हेल्प करे। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है बट अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। लेकिन हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी प्रोविजंस को आज से ही फॉलो करना 100% तरीके से चालू कर चुके हैं। लेकिन अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम सब जगह देखने, सुनने को, करने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, जिसमें लिखने पर बहुत ज़्यादा जोर है, जिसमें रोट मेमोराइजेशन या जिसको हम क्रैमिंग बोलते हैं, रट्टाफिकेशन बोलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जोर है। हमने अपने स्कूल का नाम स्मार्टो एक्सपीरियंशियल स्कूल रखा। एक्सपीरियंशियल वर्ड बहुत सारे पेरेंट्स के लिए नया है, थोड़ा बोलने में भी टफ है, बट मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एजुकेशन है जो कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहाँ पर बच्चा लर्न करता है कुछ करके, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। इंडिया के अंदर बहुत ही कम एक्सपीरियंशियल स्कूल्स देखने को मिलते हैं बट फॉरेन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी पूरी तरह से एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को सपोर्ट करती है। स्किलिंग को बहुत ज़्यादा वेटेज है और रोट मेमोराइजेशन का तो उसमें कोई नामो निशानी नहीं है, यानी कि क्रैमिंग बेस्ड एग्जामिनेशन आने वाले 5-7 साल के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे बोर्ड्स में। तो हम अभी से बच्चों को उस नए सिलेबस, नए करिकुलम के हिसाब से रेडी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन ज़रूरी क्यों है? क्रैमिंग से बच्चे का बौद्धिक विकास, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, वो नहीं होता है। बच्चे को बस रटने की आदत है, जैसे उसने कहीं का शूट करना है और अपना डायलॉग डिलीवर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा उसका सोचने का तरीका, उसकी एनालिटिकल स्किल्स ख़त्म हो जाती हैं, उसका क्रिएटिव पार्ट ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर होता है। अच्छा, याद करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप खुशी खुशी कुछ याद करते हैं, डेट्स याद करते हैं, लाइंस याद करते हैं, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन वक्त बदलते वक्त के साथ बदलना बड़ा ज़रूरी है। पुराने ज़माने में याद करने को इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला जाता था या लिखने को इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला जाता था क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस नहीं थे, टाइपिंग डिवाइसेस नहीं थे। तो चीज़ें जैसे हमारी रामायण है, वो श्रुति और स्तुति के जरिए ही 7-8 हज़ार 10 हज़ार साल से सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उस समय श्रुति में या स्तुति में, गुणगान करने में ही डाटा स्टोरेज होता था। वो स्तुति करते चले जाते थे, उसको दोहों की फॉर्मेट में वो स्तुति करते चले जाते थे और आगे पास ऑन करते चले जाते थे, और जो स्तुति को सुनता था वो उसको श्रुति पटल में रख लेता था, अपने माइंड में रख लेता था। तो उनके माइंड में वो एक, मतलब कि इट वाज लाइक अ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। आज का जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है, उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि जो स्टोरेज है वो मल्टीपल प्लेसेस पर है, बहुत सारे सर्वर्स पर है। तो उस समय का जो ब्लॉकचेन था वो यही था कि जो रामायण है वो शायद हजारों लोगों के दिमाग में है, अगर कहीं एक जगह उसका कोई गलत वर्जन पड़ा है तो उससे बाकी लोगों पे कोई असर नहीं है, ठीक है ना। एक व्यक्ति अगर कुछ गलत बोल रहा है तो बाकी लोग उसको डांटेंगे, नहीं तू गलत बोल रहा है भाई, हमारे पास तो ये वर्जन है, जिसकी वजह से ये ग्रंथ जिंदा रहे। बट आज वक्त बदल गया। आज रोट मेमोराइजेशन की इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज हमारे पास अच्छे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, अच्छे सर्चिंग के तरीके हैं। कुछ हमें ढूंढना है, निकालना है, खोजना है तो हम तुरंत गूगल करके उसको निकाल सकते हैं। लिखने की ज़्यादा ज़रूरत आने वाले 10 साल में नहीं रहेगी, क्योंकि लिखने का काम ही नहीं रहना। मैक्सिमम चीज़ें टाइप की जाएंगी, अभी भी टाइप की जाती हैं। आज के समय में भी हम बड़े लोग अगर देखें कितना लिखना पड़ता है, कंप्यूटर लैपटॉप वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं लिखते। इवन टाइपिंग भी आने वाले टाइम में ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि वॉइस कमांड आपका ज़्यादा सुप्रीम होगा, ठीक है। आपको बोल के कोई भी बात कहनी है, लिखवानी है, सब बोल कर होगा। तो समय के हिसाब से बदलना चाहिए और हमें बच्चों को वो स्किल्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए जो उनके भविष्य में हेल्प करें, लाइक IT स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स, रोबोटिक स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ऐसी चीज़ें जो बच्चे को आने वाले 20 साल बाद भी हेल्प करें। एक दिन तो देखो हर चीज़, हर स्किल ऑब्सोलीट हो जाएगी। हम 5 साल तक के ही जो हमारे बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं,
उनको हमने डे वन से प्रैक्टिकल कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। मुझे लग रहा था कि शायद 5 साल का बच्चा कंप्यूटर नहीं सीख सकता, बट आप देख सकते हैं कि 5 साल का बच्चा भी कंप्यूटर बड़े अच्छे से चला रहा है और उसके सिर पर कोई बर्डन नहीं है हमारे स्कूल में कि उसको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। हमने डे वन में बच्चे को ये नहीं बताया कंप्यूटर पर बिठाकर कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। हमने उसको डे वन में कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल बिठाया और उसको MS Paint खोल कर दे दिया, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी करवाई। तो आज वो बच्चे खुद से कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, ऑफ़ कर लेते हैं, MS Paint खुद से खोल लेते हैं, क्लिक करके उसको ओपन करके उसमें नाम लिख लेते हैं, उसमें पेंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी उपलब्धि थी। हम लोग अभी भी वो जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम था उसको फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया वो अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। उन्होंने उनको चाहिए थे बेस्ट एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट की बात मान सके, और हम देखते हैं आज का एजुकेशन सिस्टम भी बेस्ट एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैं दोहरा रहा हूँ, कोशिश करता है, बना नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वक्त बदल गया है। जो चीज़ें उस समय पढ़ाई जाती थी और जिस तरह से पढ़ाई जाती थी आज उनके मायने बदल गए हैं। आज एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट है, आज एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें मुनीम और क्लर्क ही बनाने हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सफिशियंट है उन चीज़ों को बनाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर कहीं अच्छी नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर में कर ले तो हम कहते हैं बच्चा कामयाब हो गया, अदरवाइज हम कहते हैं कामयाब नहीं हुआ। काम कोई भी छोटा नहीं है, बट द थिंग इज आप अपनी लाइफ में कितने हैप्पी हैं, बच्चा उस काम को करके कितना हैप्पीनेस फील करता है, शायद बहुत ही कम मैंने लोग देखे हैं जो इस तरह से जॉब पाके लाइफ में खुश होते हैं कि चलो ठीक है अभी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। आज वक्त बदल गया, आज ज़माना है अपने मन की आवाज़ को सुनने का, अपने पैशन को फॉलो करने का, बिकॉज हर चीज़ में करियर है आज की डेट में। आप कुछ भी कर लें, फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी में करियर, आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो उसमें करियर है, आपका एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्ट है तो उधर आपका करियर अच्छा बन सकता है, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो टीचिंग में अच्छा करियर बन सकता है। करियर तो हर जगह है ना आजकल, बशर्ते आप उसको अच्छे से बेहतर तरीके से करने वाले बने। तो हम लोग भी अपने बच्चों के साथ यही प्रयास कर रहे हैं कि उनकी स्किल्स को हम निखार सकें। अब देखो मेरे यहाँ पे जो 4-5 साल के छोटे बच्चे हैं उनको रेगुलर स्पोर्ट्स में की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। लाइक अब 4 से 5 साल के बच्चे सब लोग बैडमिंटन खेलना शुरू कर गए हैं, 5 साल का बच्चा सर्विस दे रहा है और हल्का टक ले रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हमने 10 साल में सीखी थी, 12 साल में सीखी थी। हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, बट हमारे स्कूल्स में आज भी 3-4 क्लास में जाकर कहीं सही मायने में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होता है, और स्कूल्स मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की हैंडराइटिंग सुधर सके, खूबसूरत हो सके। होनी चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में टाइपिंग होना। बच्चे को इंटरनेट से कुछ खोज के निकालना है तो उसको निकालना आना चाहिए, बच्चे को कंप्यूटर पर बिठा दिया जाए तो उसको वो चलाना आना चाहिए, बच्चे को किसी सपोर्टिव एक्टिविटी में लगा दिया जाए, किसी स्पोर्ट्स में डाल दिया जाए तो उसको उस सपोर्ट को खेलना आना चाहिए। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, हम सब लोग चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें, बट इंग्लिश का एक्सेंट हमारा जो है ना इंडिया का, वो बड़ा ही अलग तरह का एक्सेंट है, हम मैच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस रह जाते हैं। तो हम लोग उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, हम अभी से ही सिंथेटिक फोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे टाइम में हम पढ़ते थे CAT, कैट, ठीक है। अब सी की आवाज़ स भी निकलती है, क भी निकलती है, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में बहुत लंबे समय तक कन्फ्यूजन्स रहती थी, और मैंने देखा कि उस मेथडोलॉजी से पढ़े हुए बच्चे बहुत लंबे समय तक स्पेलिंग्स सही नहीं बना पाते थे। बहुत लंबे समय तक तो क्या, ज़िंदगी भर ही सही स्पेलिंग्स नहीं बना पाए, बहुत कम लोग थे जो सही स्पेलिंग्स बनाना लिखना सीख गए। और प्रोनंसिएशन तो सबकी रोंग है, और हम अपने आप को हमेशा अपडेट करते हैं। आपने देखा ही है, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसमें लगा कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने बहुत तेज़ी से उन चीज़ों को अपडेट किया, चाहे वो स्कूल का नाम था, चाहे वो हमारी बुक्स थी, चाहे वो हमारी कम्युनिकेशन ऐप थी, कोई भी चीज़ है। अगर हमें लगा कि कुछ कमी है या और अच्छा हो सकता है और हमें कुछ बेहतर मिल रहा है, तो हम उसको अडेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी हैं, बिकॉज हमें अपने बच्चे फ्यूचर रेडी करने हैं। इंग्लिश सिखाने के लिए हम लोग सिंथेटिक फोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, और जॉली फोनिक्स के साथ हमने
टाइप किया कि हमारे टाइम में हम बोलते थे CAT कैट, लेकिन अब समय बदल गया है, उन कन्फ्यूजन्स को ख़त्म किया जाए। क्यों ना हम सी की आवाज़ ही बच्चे के माइंड में पहली चीज़ फिट करें कि सी कुछ नहीं है, पता होना चाहिए उसको, इसको सी कहते हैं, बट ये एक्चुअली इसकी साउंड से पहचाना जाता है। इसकी साउंड है क भी नहीं है, इसकी साउंड क भी नहीं है, इसकी साउंड है क। वाई? आप कभी भी किसी हॉलीवुड मूवी को देखिए, किसी फॉरनर का एक्सेंट सुनिए, उसकी बातचीत को सुनिए, आप देखेंगे कि वो ऐसे नहीं बोलता कैट, नो, वो बोलेगा खाट, उसका एक्सेंट डिफरेंट आएगा, CAT खाट। कैसे बनेगा? सी नहीं बताएंगे हम उसको, क आ छु खाट। अब एफ है, एफ की साउंड हम बोलते हैं फ, बट फ नहीं है उसकी साउंड, उसकी साउंड है फ, फ, आ छु फाच। ऑटोमेटिकली वो इंटरनेशनल एक्सेंट निकल कर आता है। अब बात करें हम जरा मैथमेटिक्स की बात करें या साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स में साइंस में हम मानते हैं कि 1 to 50 लिख लेना, 1 to 100 लिख लेना ही मैथमेटिक्स का ज्ञान है, नो। तो हर नंबर के पीछे एक लॉजिक है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 21, ठीक है, वो 21 नॉर्मली हम मानते हैं कि अगर उसको 2 और 1 बनाना आ गया तो उसको आ गया 21 बनाना आ गया, या उसको 1 to 40 या 1 to 50 राइटिंग लिखनी आ गई तो उसको आ गया मैथमेटिक्स। नो, दिस इज आवर फेलियर। अब 2 1 21 है तो 2 1 21 का मीनिंग है 2 10s और 1 नंबर 1। दूसरा 21 का मीनिंग है 7s 3 times, ठीक है, 3 times 7। यहाँ से बच्चे को टेबल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, ये हम करवा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए हम ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक लाइन में हमने 7 blocks लगा दिए, फिर दोबारा से 7 लगा दिए, उसके ऊपर एक और लेयर बिछा दी 7 blocks की, तो 7 7 के 3 blocks हो गए, तो ये बन गया 21। तो 21 को हमने 2 angles से दिखाया, एक दिखाया कि 7 की 3 layers, दूसरा एंगल हमने उसका उल्टा कर दिया, जस्ट अपोजिट, 3 की 7 layers बना दी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हर नंबर का, बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं। कोई भी नंबर है, वो नंबर अपने आप में खाली नंबर नहीं है, उस नंबर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये भी 21 बनता है, तो उसके लिए पहले एक ब्लॉक रख दिया, टोटल 21 ब्लॉक्स लिए, एक ब्लॉक रख दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 blocks रख दिए, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 रख दिए, 6 रख दिए, ये भी 21 बन गया। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया। ऐसे हर नंबर का जो अंदर का जो क्रक्स है वो हम बताते हैं, ठीक है। किसी और स्कूल में 100 तक हो गई है, बट आप तो 40 तक ही करा रहे हैं तो आप उस चीज़ से मत देखिए कि 100 तक हो गई है या 500 तक हो गई है। द थिंग इज कि जहाँ तक भी हुई है वहाँ तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो 40 तक भी पहुँच गया वो 100 तक भी पहुँच जाएगा, वो 500 तक भी पहुँच जाएगा, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, बट जहाँ तक वो पहुँचा है उसके अंदर उसको कितना ज्ञान प्राप्त हो गया, उतने टुकड़े के अंदर उसने क्या कुछ सीखा है, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले ही बताया कि वी आर एन एक्सपीरियंशियल स्कूल, वी आर नॉट ट्रेडिशनल स्कूल। तो हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करवाते हैं, नंबर्स हैं, एक एक नंबर एक्सपीरियंस करवाते हैं, ठीक है। अब 21 इंट्रोड्यूस हुआ तो 21 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, उसको अलग अलग तरह से सेटल करके दिखाएंगे। 22 इंट्रोड्यूस होगा तो 22 ब्लॉक्स हम यूज़ करेंगे। हर नंबर पे वो ब्लॉक्स बढ़ते चले जाएंगे और उसको अलग अलग तरह से अरेंज करेंगे, बच्चे को दिखने लग जाए वो नंबर। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें टीचर अपना डॉगमेटिक व्यू लेकर नहीं पढ़ाता कि मुझे जो पढ़ाना है वही परम सत्य है और बच्चे को उसको ग्रैब करना है, नहीं। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम सबसे पहले जो भी टॉपिक है हम उसको प्रैक्टिकली बच्चे के सामने रखते हैं, फिर उसमें से बच्चा उसको एक्सपीरियंस करके कुछ सीखता है और टीचर भी कुछ सीखता है, फिर टीचर की गाइडेंस में उसको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है बच्चे को। टीचर का रोल है कि उस वो जो चीज़ बच्चे ने देखी, ऑब्जर्व करी, जो उसको रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आई, उस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के पीछे का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो टीचर बच्चे को बताता है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, बच्चे ने उसको एक्सपीरियंस किया, दिस इज नॉन एज कंक्रीट एक्सपीरियंस। देन वी हैव रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, तो हो क्या रहा है, अब जो कुछ हो रहा है वो ऑब्जर्व बच्चे ने किया, साथ में टीचर ने किया, क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट,
टीचर विल एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। और इतना जानने के बाद हम उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में भी डालते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है कि अब जो बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो गया है उसको वो एक्सपेरिमेंट करके देखें और फिर उससे भी एक्सपीरियंस ले कि मैंने जो किया उसमें ये रिजल्ट आया तो क्यों नहीं आया, और ये डिफरेंट रिजल्ट आया तो उसके क्या कारण है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो हमने कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स से अडेप्ट की हैं। हमारी बुक्स भी आज की डेट में इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस भी इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। स्मार्ट क्लास का और रियल ऑब्जेक्ट्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एवरी क्लास इज इक्विप्ड विद स्मार्ट क्लास। कोई भी चीज़ है तो उसका PPT दिखाना, उसको विजुलाइज कराना, उसका ऑब्जेक्ट क्लास में दिखाना, ये सब चीज़ें हम फोकस करते हैं। एक और चीज़, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि हर कंट्री इंग्लिश बोलता है और ज़्यादातर अच्छा कंटेंट, जो बेस्ट कंटेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। द रीज़न इज़ कि ब्रिटिश रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द अर्थ और अपनी लैंग्वेज उन्होंने थोप दी, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा प्रचलन में आ गई, ठीक है। और फिर सेकेंडली वर्ल्ड वार जीतने के बाद इंग्लिश का डोमिनेंस पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इंग्लिश आज की डेट में इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज मानी जाती है। पर एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश बोलता है वो इंटेलिजेंट नहीं है और जो इंग्लिश नहीं बोलता वो मूर्ख नहीं है। हमें इस रियलिटी का भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो सिर्फ अपने बच्चे को इंग्लिश से जज ना करें। हम यहाँ पर रेगुलर इंग्लिश सिखाने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन के सेशंस देते हैं। हमारा जो इंग्लिश सिखाने का तरीका है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। मेरा मानना यह है बच्चे को रटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बजाय उसके उसको सेंटेंस ही बनाने आ जाएं ताकि कभी रटना ना पड़े। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जब कम्युनिकेशन की बात आए तो दो लोग आपस में खड़े हों तो दे शुड बी वेरी मच कम्फर्टेबल इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। इस चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसके लिए रेगुलर रोल प्लेज आप देख सकते हैं चलते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस चलती हैं, डे टू डे कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस चलती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों को पता हैं। और ये नहीं कि वो रटे हुए हैं कि एक ही तरीके से आप पूछेंगे तो बच्चा बताएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएगा। दे नो द मीनिंग बिहाइंड दैट, दे नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, किससे क्या पूछना है, कैसे पूछना है, ये सब बच्चे जान रहे हैं। अब ये मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ तो हो सकता है गलत ही बोल रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा महसूस होता है अपने बच्चे को स्मार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल स्कूल में भेजने के बाद, और क्या गेन कर रहा है आपका बच्चा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर दें, बिकॉज आप लोगों के फीडबैक्स कमेंट्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नया साल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2023 में हम अपने स्कूल को एक्सटेंड करके 4th class तक के एडमिशन्स इस साल उठाने जा रहे हैं, और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमने आप लोगों के सपोर्ट से इस स्कूल को, आपके बच्चों को वहाँ ले जाना है जहाँ से कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े। वो फीलिंग आपके बच्चों को कम से कम ना आए जो आपको आई 20 साल पढ़ाई में बिता देने के बाद, 18 साल पढ़ने के बाद। लोग ग्रेजुएट हो गए और ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसा लगा कि बस पढ़ते रहे, हमने एग्ज़ाम तो दिए, हम एग्ज़ाम के लिए पढ़े, हमने क्वेश्चंस तो रट लिए, बट हमने सीखा क्या। सिखाया तो हमें हमारी कंपनी ने, जहां हम गए 2-3 महीने हमने ट्रेनिंग ली, वहां हमने एक्चुअल में सीखा। ऐसी फीलिंग आपके बच्चे को ना आए, उसको लगे ठीक है 10 साल अगर मैं स्कूल में रहा तो मैंने 10 साल में बड़ा कुछ सीखा है। हमने जीने की कला सीखी है, हमने टेक्नोलॉजी का ज्ञान लिया, हमने विज्ञान का ज्ञान लिया, हमने साइंस सीखी, मैथमेटिक्स सीखी, हमने अपडेट कैसे रहना है वो सीखा, हमने फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे रहना है, कैसे बन के रहना है वो सीखा, हमने बिजनेस कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करनी है वो सीखा, मनी को कैसे मैनेज करना है वो सीखा। आपके बच्चे को ये महसूस हो कि वो 10 साल में उसने बड़ा कुछ सीखा है। हम लोग मनी मैनेजमेंट के लिए भी कुछ रोल प्ले किए हैं, आगे भी करने वाले हैं। लाइफ स्किल्स के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, लाइक फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कराई, रोड क्रॉसिंग की ट्रेनिंग करवाई, ठीक है, और बहुत सारी हॉट वाटर को कैसे हैंडल करना है वो ट्रेनिंग करवाई। इसके अलावा बड़ी बेसिक लाइफ स्किल्स लाइक शूज़ के लेसिस कैसे आपको टाई करने हैं वो करवाया। बहुत बहुत दिन तक रेगुलर हम प्रैक्टिस करवाई इन चीज़ों की, अभी भी चलती रहती हैं ये प्रैक्टिसेस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों का इतना प्यार मिला पहले साल में, सब लोगों ने बहुत सराहा, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों का सपोर्ट ही मोटिवेशन बनकर हमारे सामने आया और हमने डिसाइड किया कि स्कूल को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब 10th तक तो हम स्कूल को करने ही वाले हैं और आप लोगों का सहयोग रहा, प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो हम इस मिशन को बहुत आगे ले जाएंगे और आपके बच्चे को बहुत ही अच्छा भविष्य देंगे। धन्यवाद।